करनी पड़ेगी, हर शादी में सबसे पहले पहुंच जाते हैं। नाती ब्याह पहले नाती को ब्याह हो तो धूमधाम से ब्याह हो और अच्छे से लगो। बड़ा नाती ब्याह हो हां। तो इधर चल रही है खाना बनाने की तैयारी। इच्छा ने हमारे भेजी जो नौना वाले को ब्याह कौन भेज लो पहले क्या होता था थोड़ा लेट आते थे लोग और सिलबट्टे में पीसते थे तो टाइम भी काफी ज्यादा हो जाता था। बुलाओ ना ये बोलेंगे सब लोग बोलेंगे मैं क्या बोलूँ आज आज ज्यादा खुशी है इसलिए सब दिन ही निकल लो। यहाँ पे सभी गांव वालों के लिए देखिए प्रसाद भी बन चुका है तो ये दाल मिलाना भी हर किसी की बस की बात नहीं। और देखो ना जो मालदार है उसी से काम करवा रहे। शुरू हो चुका है एक नया दिन एक नए ब्लॉक के साथ और अभी जो सुबह के बज रहे हैं वो लगभग बज रहे हैं 11 और हमारी तैयारी हो चुकी है गांव में जाने की क्योंकि हमारे गांव में है शादी और वो शादी बहुत दिनों के बाद आ रही है। मतलब दिन क्या पूरे महीने हो गए। पिछली जो शादी हुई थी वो लगभग अक्टूबर नवंबर के टाइम पे हुई थी और एक दूसरी शादी आ चुकी है फरवरी के टाइम पे। ठंड भी बहुत है इसलिए जैकेट पहन रखी है। मौसम की अगर मैं बात करूँ तो कल इतनी भयंकर बारिश हुई इतने भयंकर ओले गिरे लग रहा था कि बर्फ़ पड़ने वाली है लेकिन आज धूप आ गई वो चीज़ अच्छी हो गई। और दूसरी बात आज शादी में जो है पकौड़े बनने वाले हैं उसके लिए लेडीज़ लोग दाल पीसते हैं। हम जेंट्स लोग क्या करते हैं कि फूल लगाते हैं घरों में। बहुत मज़ा आता है शादी में इसलिए शादी के ब्लॉग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसी के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ अपने उत्तराखंड का कल्चर की शादियों में किस किस तरीके से क्या क्या किया जाता है। तो पहले दिन हम पकौड़े बनाते हैं घर को सजाते हैं और गाँव के जो बड़े जेंट्स लोग हैं वो खाना पीना बनाते हैं हम भी बहुत सारे काम करने लगते हैं तो इसलिए हमने जाना है गांव में शादी में। तो चलो चलते हैं और बताते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें होनी है और किस तरीके से कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो मैं लग गया हूँ नीचे जाने। मम्मी लोग थोड़ी लेट में आएंगे मुझे थोड़ा जल्दी पहुँचना पड़ता है क्योंकि आपको ब्लॉग भी दिखाना है लोग भी आ गए होंगे शायद से इसलिए जल्दी से निकलते हैं और फिर आपको मिलते हैं सीधे नीचे। तो यहाँ पर है शादी और तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं साथ साथ में यहाँ पे अभी दाल की धुलाई चल रही है जिसको कि पीसना है ये है। और एक तरफ यहाँ पे मशीनें लग चुकी हैं दाल पीसने के लिए और दूसरी तरफ अमित डबराल जी क्या कहना चाहोगे इनकी तारीफ करनी पड़ेगी हर शादी में सबसे पहले पहुंच जाते हैं क्यों भाई जी है ना बिल्कुल। और आते ही देखो काम स्टार्ट ये बात होनी चाहिए गाँव के नागरिक में हम भी दाल पीसते हो और अभी कोई नहीं आए गांव के कोई भी लोग नहीं आए तो धीरे धीरे सब आते रहेंगे अभी पूरा खाली। साथ साथ में घर की सजावट भी स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारी बड़ी भी आ चुकी है। हाँ, बड़ी कहने लगन नाती को ब्याह बन कहने लगन तुम तो पहले नाती को ब्याह बनो तो धूमधाम से ब्याह और अच्छे से लगो। हाँ बुजुर्ग लोगों को इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है जो हमने उनकी नाती की शादी हो रही है तो इससे बड़ा सुख उनको और क्या मिल सकता है। आज तो मौसम भी गिरगिट की तरह ऐसे करवटे बदल रहे ना कभी धूप है तो कभी छाँव और ऐसे में कैसा कुछ होगा। देखिए ऊपर से मौसम भी बदल गया। तो जब तक यहाँ पे दाल धुरी जा रही है पीसी जा रही है तब तक हम लोग जा रहे हैं आग जलाने क्योंकि दिन का खाना भी बनेगा उसके लिए हमें जलानी आग और साथ में बनाने कढ़ाई में चावल दाल जो भी है। तो इधर चल रही है खाना बनाने की तैयारी और यहाँ पे बनेंगे क्या बनेगा भाई जी यहाँ पे चावल बनेगा भात, भात चावल भात, भात और वो बनेगा कढ़ाई में। अरे दाल दाल प्रेशर में बनेगी दाल बनेगी कुकर पे। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसी खेत में भट्टी खोद दिए इसको बोलते हैं भट्टी और यहीं पे बनेगा खाना। बड़ा जी भी आ चुके हैं हमारे। तो हम आ चुके हैं घर की एकदम टॉप वाली छत पे यहाँ से कि हमारा पूरा गांव भी दिखता है और पूरा घर भी दिखेगा। तो ये देखिए अब सभी लोग आ चुके हैं और अब रौनक दिखना भी शुरू हो चुकी है। और इच्छा ने हमारे भेजी जो कि नौना वाले को ब्याह कौन भेज लो और खुशी तो बस क्या बढ़ने अब जो एक नौना वाले ब्याह बोले खुशी नहीं बढ़ क्या बड़ी। और अब सब है देखा चारों तरफ अब रौनक भी दिखने लग गई और धूप भी आ गई है बीच में ऐसा लग रहा था जैसे अब मौसम खराब है।
तो थोड़ी देर पहले कम भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे देखिए भीड़ बढ़ ही रही है और गाँव के जितनी भी महिलाएं सब धीरे धीरे आने लग गई हैं। बहुत जी पहले और अब में कुछ फर्क लग रहा तुम लोग, पहले कैसे था और अब कैसे? मतलब पहले जो शादियाँ होती थी पकोड़े होते थे, अच्छा हाँ ये चीज मैंने भी देखी है। मतलब पहले क्या होता था, थोड़ा लेट आते थे लोग और सिलबट्टे में पीसते थे तो टाइम भी काफी ज्यादा हो जाता था, उसकी वजह से रात रात तक बनते थे पकोड़े, लेकिन अब दिन ही दिन में सब कुछ निपटा देते और शोर काफी ज्यादा इधर। तो ये हमारी बौजी हैं, मतलब सबकी जितनी भी शादियाँ होती है सब में सबसे ज्यादा बोलते हैं। आज अपने बेटे की शादी आज चुपचाप दिख रहे, आज तो बोलो लोग बोलेंगे बस। बोलो आप सब बोलो, इनसे बुलाओ ना, ये बोलेंगे सब लोग बोलेंगे मैं क्या बोलूँ। आज आज ज्यादा खुशी है इसलिए सब दिन ही निकल लो। अब बहू बोलेगी, आज तो ये बोलते थे अब इसके बाद बहू बोलेगी। बिल्कुल यहाँ पे सभी गांव वालों के लिए देखिए प्रसाद भी बन चुका है, चला हुएगी। तो ये जो पहले दिन हमारे ये गांव में पकोड़े और उसके साथ साथ पूरियाँ बनाई जाती है तो गांव वालों में बांट दिया जाता है, हमारी गढ़वाली में बोलते हैं इसको पैणू, तो मतलब जो भी ये बन रहा है सब गांव में बांटा जाता है शादी होने की खुशी में। हाय गाइस, हाउ आर यू? आज इसके अपने बड़े भाई की शादी है, आज ही करेगा कुछ फनी, अभी फनी मोमेंट आने आ रहा है। तो देखिए हमारे लिए प्रसाद भी आ चुका है जो कि आज पकोड़ों के दिन सबको दिया जाता है। प्रसाद है। यहाँ पे तैयारी हो चुकी है फूल लगाने की, फूल तो थोड़ा कम ही है क्योंकि ऑलरेडी पूरा घर सजा दिया इन्होंने पहले से, तो हल्के फूल के फूल लगाएंगे बस। तो ये दाल मिलाना भी हर किसी की बस की बात नहीं, इसको मिलाने के लिए ऐसा एक्सपर्ट चाहिए, इसको मिलाने के लिए भी एक्सपर्ट लोग चाहिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से मिलाते हैं, बहुत भयंकर ही तरीके से मिला रहे, ऐसे में क्या है कि नमक मर्च सब अच्छे से मिल जाए। तो हमारे साथ है आज अवनी जो कि कह रही है अपने ब्लॉग में निकालो। अवनी कुछ कहना चाहोगे? बोलो फिर जल्दी बोलो। तो बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है अवनी पटियाल, तो आपकी शुरुआत होती है चपड़ियाल गांव से। वाह वाह वाह, मेरे मामा जी की आज शादी है। हाँ, मजा आ रहा है मामा की शादी में? तो रात को जब आज तुम्हारे मामा की शादी, इसकी मामा, सब के मामा, रात को बारात में बस। तो जब पहले मशीने नहीं थी तब ऐसे सिलोटे में पीसा करते थे, क्यों बाजी? हाँ, सिलोटे पड़ते थे। अच्छा लग रहा है सिलबट्टे में पीसना? ये इसलिए पीसा जा रहा है क्योंकि मशीन से इतने बारीक नहीं पीसा जाता जितना कि इससे होता है। यहाँ ठंड ज्यादा है ना, इसलिए चाय भी लोग ज्यादा पीते हैं, है ना? पियो फिर चाय, पहाड़ी के जो होते हैं वो चाय पीते। वाह बहुत बढ़िया बोला तुमने, देसी है कि पहाड़ी है? देसी? अरे नहीं, पहाड़ी पहाड़ी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती। अच्छा पहले सच बोला ना? तू भी पहाड़ी है, जब मम्मी पहाड़ी है तो तू भी पहाड़ी है। और देखो ना जो मालदार है उसी से काम करवा रहे हैं। वही वही वही, तो इस पे बनेंगे पकोड़े। पर वही कढ़ाई लेके ये आ चुके हैं, तो यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े क्योंकि दाल भी पीस चुकी है, मिल भी चुकी है और यहाँ पे अब बनाएंगे सभी लोग पकोड़े। जगह की कमी के कारण देखिए सब लोग ने अपनी अपनी जगह पकड़ रखी है, कोई कहीं बैठ रखा तो कोई कहीं। तो दो अलग अलग तरीके से यहाँ पे पकोड़े बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे हैं चने के दाल के और ये है उड़द की, और ये होती है पूजा के लिए, मतलब जो यहाँ से डोलची जाती है बारात वाले दिन ये पकोड़े उसके लिए रखे जाते हैं। यहाँ
यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं। यहाँ पे इतनी भयंकर गर्मी है जिसकी वजह से दो मिनट वहाँ पे खड़ा नहीं होया जा रहा, फिर भी हमारे गांव की मेहनती जो औरतें हैं, जो हमारी भाभियाँ हैं, वो इतनी गर्मी में भी वहाँ पे पकौड़े बना रहे हैं। तो एक लाइक उनके लिए ज़रूर करना। सारे काम लगभग जल्दी निपट चुके हैं, पकौड़े भी बन चुके हैं, और अब कल के दिन में क्या होगा वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, मतलब दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो लास्ट में यही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि उत्तराखंड का कल्चर कैसा है और यहाँ शादियाँ किस तरीके से होती है। तो आपसे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।